5 अगस्त को दिखाए जाएंगे मुख्यमंत्री को काले झंडे। हिसार में हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सभी संगठनों ने घोषणा करते हुए कहा कि जब तक हरियाणा प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता, तब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहाँ भी जाएंगे उनका घेराव किया जाएगा और काले झंडे दिखाए जाएंगे। पहला शुरुआत बरवाले से ही 31 जुलाई तक हमारा पूरा प्रदेश के अंदर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुए कामयाब हजारों की संख्या के अंदर, उसके अंदर 37 जो संबंधित संगठनों के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता सक्रिय है, हजारों की संख्या में वो वहाँ आए, उनके जिला कमेटी के चुनाव करवाए गए। उसके लास्ट 31 जुलाई को सिरसा के अंदर था, उसके अंदर ऐलान किया है मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पास करके भी जहाँ भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जाएगा उसको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और घिराव करेंगे, उनकी जनसभा नहीं होने देंगे। चाहे बरवाले के चारों रास्ते हमारे को जाम करने पड़े, लाठी चलाए, प्रशासन जो मर्जी करे, सीआईडी के साथी भी बैठे हैं, लेकिन ये पहली मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो हाईकोर्ट ने अध्यादेश जारी किया, आदेश जारी किए भी इनको नौकरी से हटाया जाए। सरकार से हम फिर पुनः अपील प्रार्थना निवेदन करते हैं कि किसी कर्मचारी रोजी ना छीनी जाए, इसके लिए ठोस कदम उठाए, विधानसभा का सेशन बुला के ठोस कदम उठाए। जैसे एमएलए मंत्रियों का भत्ता बढ़ाते हैं टेबल पे हाथ मार के, ऐसे ही एक अध्यादेश जारी करें जिनकी रोजी रोटी का। दूसरा, जो वर्ष 15 साल से लगातार 2006 के बाद रेगुलर पॉलिसी पर बैन लगा हुआ है, उस पॉलिसी को 3 साल की पॉलिसी को बहाल किया जाए। सरकार के अधिकारी उमा भारती वर्सेज केस को लेकर कर्नाटका का यहाँ बेहुदा बातें करते हैं, सरकार को मिसगाइड करते हैं। हम सरकार से ये अपील निवेदन करते हैं कि समय रहते रेगुलर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों के अंदर लगभग 1.25 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी नियुक्त हैं, उनको सबको रेगुलर की पॉलिसी बनाकर नियमित करने का काम करें। अन्यथा हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ जब तक तमाम की तमाम 21 मांगों का हल नहीं होता चैन से नहीं बैठेगा।